बिहार की प्रगति के लिए अनेक काम, विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया गया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया गया। अभी हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के गौरा बोराम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिरसिया गांव में मौजूद हैं। ये गांव और इस तरह के और भी बहुत सारे गांव हैं जो कोसी रिवर के एम्बैंकमेंट पे बने हुए हैं। ये सारे गांव बसे हुए हैं और यहाँ पे रहने वाली जो बड़ी पॉपुलेशन है वो मुसहर कम्युनिटी की है। ये वही कम्युनिटी है जिससे बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी आते हैं। बहुत गरीबी है इस इलाके में, ज़्यादातर लोग लैंडलेस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। इन तक मुख्यमंत्री की का जो वो वादा था कि हर लैंडलेस शेड्यूल कास्ट को 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, वो पूरा नहीं हुआ। जीतन राम मांझी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने वादा किया था कि उनको 5 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, लेकिन ये वादों तक ही रह गया। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो औरतों में मिसकरेज का होना। जब 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो उन मिसकरेज हो जाता है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। हम यहाँ पे औरतों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से ये मिसकैरेज होता है। हाँ, क्या को बच्चा है अभी कहाँ छे को, फिर मतलब बच्चा नुकसानों के नहीं है को को? हाँ, क्या को ये को मतलब बच्चा जन्म ल के या कि गर्भ में एक्सपायर कर गेलो रे? 6 महीना के। 6 महीना के भ के? हाँ, पेट में मतलब। अच्छा, पेट में गर्भ में। तो इसमें में डॉक्टर से इलाज करवेले नहीं के लिए, दिखावेले नहीं के लिए? नहीं, किया नहीं के लिए। पैसा रहते तब देखे थे। पति कमाया ना? हाँ, पति नहीं कमाई छे, बैठल छे गाँव में रहे। तो फिर खाए पीबे छे कना के? की खाए छे? नमक रोटी खाए छे। और आमदनी के कोनो मतलब और समाधान नहीं छे? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे में अहाँ बीमार पड़लिए बच्चा के लिए नुकसान भले है, वैसे में डॉक्टर से नहीं मिललिए, हॉस्पिटल नहीं गलिए? बगल में जगतपुर हॉस्पिटल छे, गेल रही है तो डॉक्टर साहब से देखलिए? देखलिए। तब मतलब डॉक्टर साहब इलाज चल लेकिन तब भी नहीं बच पा लगे? नहीं। फिर डॉक्टर साहब तो कहने हथिन ना कि कल के नहीं समरे वाला छी? वो जे डॉक्टर मतलब नुकसान जो भ गेले डॉक्टर साहब से मतलब इलाज करे लिए नहीं संभल पा लगे, ओकर बाद बच्चा दानी की सफाई करबे ना रहिए? हां, किरतपुर में। किरतपुर में? हां, किरतपुर हॉस्पिटल में। हां, तो फिर ओई के बाद दवा दलक? देने रही दवाई जे दलक तो सरकारी हॉस्पिटल तरफ से दलक या प्राइवेट आहा खरीदा पड़ल? खरीदल के। तो ओठम तो सरकारी हॉस्पिटल छे, सरकार तरफ से सब व्यवस्था छे, सरकार मुफ्त में दरल छे दवाई? नहीं दल के, पैसा रल के तब दल के। आशा आंगनबाड़ी एम्हर घूमे के लिए आबे या देखे के लिए? जैसे में अहाँ के बच्चा नुकसान के लिए बीमार छलिए, वैसे में आशा या आंगनबाड़ी सेविका आयल रहे देखे के लिए? कोई नहीं आयल रहे देखे लिए। कोई नहीं आयल रहे? नहीं। अच्छा, कहलो जे ऐसे पहले कोनो बच्चा नुकसानो सब भेल या बीमारी से या कोनो कारणवश? क्या गो दो बार में खत्म भया के बार हेले ना? हां, वैसा ठंडी पकड़ लेके के अब जे की छ वैसा मर गए। और मतलब क्या गो बच्चा रहे तो क्या गो मतलब जे मरले से क्या गो बच्चा रहे टोटल? दो गो बच्चा एक साथ मरले? हां, बारिश में ठंडी पकड़ ला सा। आ वैसा पहले एगो माघ महीना खत्म भए गेलै, सर्दी भेलै, खाँसी भेलै, वैसे खत्म भए गेलै पैसा नहि। तऽ ई जे सर्दी भेलै खाँसी भेलै तऽ डॉक्टर से नहि देखलियै? पैसा नहि रहै तऽ दुआर से नहि देखलियै। पति तऽ कमाइए ने? कमाइ छै तऽ जब गाँवमे रहै तब खत्म भेलै। अच्छा, ओ मतलब सरकार तरफसँ जे इन्श्योरेंस वाला कार्ड मिलल छै फ्री इलाज करबै वाला वाला, ओ तऽ मिलल यऽ ने? हाँ, मिलल। ओहि पर तऽ फ्रीमे इलाज होइ छै प्राइवेटोमे, ओहि पर नहीं इलाज करबेलिए? नहीं, ओहि पर नहीं करेलिए, फिर पैसा प्राइवेट में फिर लिखे छे तो दवाई आना पड़े छे ना। ओ, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में जाए फिर भी प्राइवेट से दवाई लिखे छे तो अपना खरीदा पड़े छे? खरीदा पड़े छे। अच्छा, ये बताओ अहाँ कै गो बच्चा है? एको गो नहीं। फिर भी बतेने रहिए जे 6 गो बच्चा भेल रहे नुकसान भ गेलै? हाँ, मतलब बच्चा पैदा भए के नुकसान भेल आ कि गर्भ में नुकसान भ गेलै? गर्भ में। कते कते दिन पर?
पाँच महीना, चार महीना, छः महीना, सात महीना, आठ महीना। मतलब एते दिन के है फिर भी नुकसान हो जाए। हाँ। तो डॉक्टर के पास मिले नहीं के लिए, देखावे नहीं के लिए गेल रही तो 9,500 के दवाइयो करे लिए। हाँ। तो नहीं टिकले बच्चा तो डेट भए गेले। की करे या? पति की करे छे हरियाणा में धान काटे छे। ओ, मतलब परदेश जाकर। हाँ। तो पैसा तो भेजते हाथ ना? पैसा नहीं भेजे छे, जकर कर्जा ले छे से ले छे पैसा, घर की भेजते। क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके उनके बच्चे मर जाते हैं, क्या क्यों क्यों होता है ऐसा? पैसे होता है अतः खेना पीना नहीं हो सरिया, पैसा कौड़ी नहीं हो, गरीब लोग छे बाहर भीतर सब चल गए, एगो रुपया नहीं जल्दी हो लोग को से जते अतः दवाई दारू करेती, यही से लोग मर। अच्छा, खाने में दाल भात है छे, खेसारी के दाल कभी के कहियो के साग है छे, आलू 40 रुपए छे, तो लोग के ओते पैसा रहते से आने छे नहीं आने छे, अपन वह डोका से मार माछ को छे अपन मार के खेला और की खेते। सब्जी एते महग छे लोग के। हाँ, नहीं तो कमेलो तो खेलो, नहीं कमेलो तो अपन भूखले अपन जना जे है छे से अपन मरे छे टूटे छे, की करते तो लोग बैठारे पानी में। सरकार से क्या मदद मिलती है? कुछ नहीं, अखनी 6,000 या एगो 6,000 के दल के हैं, वैसे की हेतु ककरो दल के ककरो नहीं दल के, कोई काने छे कोई हंसे छे और कोनो लाभ नहीं है। अभी तत्काल हम यहाँ पर लगभग 2008 से ही हैं, पहले संविदा में थे, उसके बाद 4 साल पहले परमानेंट हुआ तो यहीं पे हम तभी प्रभारी चिकित्सा पद के पद पर हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ सैंक्शन पोस्ट 6 डॉक्टर है हॉस्पिटल में MBBS, लेकिन दुर्भाग्य का ये यहाँ का कि मात्र हम अकेला बच गए हैं, 2 डॉक्टर और थे जो रिटायर करके, एक डॉक्टर संविदा पे थे उनका परमानेंट हो गया, बाहर चले दूसरे जगह हो गए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में। अब दिया तो इस बार जो पोस्टिंग के लिए जो जितना हुआ 6 डॉक्टर को दिया, 6 में 3 हायर स्टडी के लिए आते ही बिरमिट हो गए, 3 एरिया देख के शायद ज्वाइन ही नहीं किए, आया ही नहीं यहाँ पर। तो अभी के डेट में हम अकेला हैं MBBS और 2 आयुष हैं हमारे, वही उसी पर चल रहा है। हेल्थ सब सेंटर सर 5 है सर मेरे यहाँ सर, उस पर सर 12 NM सर अपने यहाँ PHC में है सर, टोटल 12 NM है और टोटल सर यहाँ सेंशन पद सर 38 है सर, उसके अगेंस्ट सर मात्र 12 सर NM सर यहाँ पोस्टेड है सर। अच्छा, होने चाहिए 38। जी यस सर। और हैं? है सर 12 NM है सर और सर 2 एडिशनल PHC है। हाँ। एक सर जमालपुर है, एक रसियारी है सर, जहाँ पे सर एक एक MBBS होना चाहिए, वहाँ MBBS नहीं है सर, मात्र 1 आयुष चिकित्सक सर वहाँ कार्यरत है सर। अच्छा। 2 सर ज्वाइन किए हैं तो वो सर हायर एजुकेशन के लिए सर सेम डे सर बिरमित हो गए सर यहाँ सर। अच्छा, ये जो ये PHC है ये कितनी जनसंख्या पे एक होना चाहिए और है कितनी जनसंख्या में ये? देखिए इसका तो अपना 1 लाख के अभी 80,000 था, अब नया जनगणना में 1 लाख लगभग हो गया होगा, 1 लाख पे ये है अपना, और प्लस 2-3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ जिसका बॉर्डर टकराता है जैसे सहरसा, मधुबनी और सुपौल का कुछ पार्ट, और दरभंगा के में तो ये है ही, तो 4 डिस्ट्रिक्ट को ये सेवा दे रहा है, 4 डिस्ट्रिक्ट के कुछ कुछ पार्ट को, सहरसा का ज़्यादा पार्ट जुड़ता है इससे तो उसका ज़्यादा आता है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट का आता है और लगभग हम समझते हैं 1 लाख वो भी रख लीजिए, उन लोगों का भी जनसंख्या तो 2 लाख प्लस का एक ओवर कर रहा है। 2 लाख प्लस का। आपके हिसाब से जितने दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं कितना PHC होना चाहिए था इस पूरे इलाके में आइडियली? देखिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट का तो अब आ रहा है तो हमारे यहाँ लिए तो वो एक्स्ट्रा है, तो उन लोगों का अगर आवागमन अपने क्षेत्र से जुड़ जाए तो फिर वो उधर ही जाएंगे, लेकिन उन लोगों को नदी के कारण जा नहीं पाते हैं इसलिए आते हैं, सरकार के पेपर में तो ये अपना 1 लाख पे चल रहा है, लेकिन जो भी है तो हो नहीं पाता है।
तो ये थी ज़मीनी हकीकत जिससे हमने आपको रूबरू कराया। नीतीश कुमार जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हों तो जब कभी भी आप अपने चुनावी रैली में जब ये क्लेम कर रहे हों, दावा कर रहे हों कि हेल्थ सेक्टर में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वो लोग हैं समाज के उस पायदान पे खड़े हुए हैं जहाँ पे इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये जस्ट एक वोटर है, आपके लिए एक वोट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और मोदी जी से हमारा सवाल ये है कि मोदी जी, अगर हमारे बच्चे ही नहीं होंगे तो कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर।